नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजर्न एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है रिक्वायर्ड और इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। लास्ट के लेक्चर में देखा था एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें क्या क्या था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थे, फिर उसके बाद अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स थे, डिफेंस थे, मेडिकल एप्लीकेशंस थे, ऐसे अलग अलग टाइप में आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के एप्लीकेशंस होते हैं। तो लेकिन ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये किसके ऊपर रन होती है, हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर रन होती है। तो आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, वो आज इसके वीडियो में देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, लेकिन स्टार्टिंग के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो ईजी है, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो आप जो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल यूज़ कर रहे हो उसका कॉस्ट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। उसके साथ ही ऐसे नहीं है कि आपके हाइड्रोलिक ऑयल की कॉस्ट कम है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपका ऑयल ईजीली अवेलेबल होना चाहिए ना। ऐसे होगा आप एखादे इंडस्ट्री में एक मशीन में ऑयल यूज़ कर रहे हो और उसका कॉस्ट कम है, लेकिन आपको अगर वो ऑयल परचेस करना है तो आपका लीड टाइम 7 दिन का है, मतलब 7 दिन के बाद आप आज ऑर्डर करते हो तो 7 दिन के बाद वो ऑयल मिलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो अवेलेबल बल्क क्वांटिटी में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट था। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। तो बेसिकली अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगा तो आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है हाइड्रोलिक सिस्टम उसका भी कॉस्ट क्या, उसका भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस मतलब क्या, कभी कभी क्या हो जाता है, ऑयल अगर हॉट सरफेस पे गिरता है तो वहाँ पे क्या कर लेता है, वो फायर कैच कर लेता है। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो सरफेस है या वर्क इन्वायरमेंट वो क्या होता है, हॉट होता है। लेकिन अगर आप जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ से अगर ऑयल लीक होके हॉट सरफेस पे गिरा तो वहाँ पे अगर फायर कैच करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद मिनिमम टॉक्सिसिटी। अभी टॉक्सिसिटी मतलब जहरीला, उसका इसका यहाँ पे क्या कंसल्ट है, अगर आप कोई ऑयल टॉक्सिक ऑयल भी है और सिस्टम में यूज़ कर रहे हो तो उसका आदमी के साथ कहाँ कनेक्शन आएगा। अगर आप सिस्टम में ऑयल यूज़ कर रहे हो, अगर सिस्टम कभी अंडर मेंटेनेंस जाती है तो मेंटेनेंस का बंदा क्या करेगा, वहाँ पे जाकर रिकेयरिंग का काम करेगा, तो ऑयल के साथ उसका कांटेक्ट आने वाला है। और वो ऑयल अगर टॉक्सिक है तो उसने हाथ धोने के बाद भी अगर खाना खा लिया तो वो टॉक्सिक है, बॉडी में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डायरेक्टली स्किन के साथ कॉन्टैक्ट हुआ तो इरीटेशन के वगैरह प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपका ऑयल कैसा होना चाहिए, मिनिमम टॉक्सिक होना चाहिए। उसके साथ ही कुछ ऑयल होते हैं जो फायर रेजिस्टेंस ऑयल है वो क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। उसके क्या वजह, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्यूपेशनल डिसीजेस आपको होते हैं। फिर उसके बाद नॉन कोरोसिव। आपका जो ऑयल है वो आपके रिजर्वायर में कांटेक्ट में होता है, फिर आपका टोटल जो सिस्टम है डीसी वॉल एक्चुएटर इसके पूरे मेटल टू मेटल कांटेक्ट में होता है। तो आपका ऑयल ऐसे होना चाहिए कि अगर वो मेटल के कांटेक्ट में है तो उसने वहाँ का सरफेस क्या होना चाहिए, करोजन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद है हाई फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब क्या, कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर पर फायर कैच कर लेते हैं उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो जो ऑयल है आपका वो सिस्टम में कंटिन्यूसली रन होता है, मतलब पंप से लेके वो एक्चुएटर तक जाएगा, एक्चुएटर से वापस रिटर्न आएगा, फिर वापस पंप में जाएगा। इसकी वजह से वो क्या होता है, कंटिन्यूसली हीटअप होता है, ठीक है। लेकिन हीटअप होने के बावजूद भी वो क्या होना चाहिए, उसने फायर कैच नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। फिर उसके बाद सिस्टम कंपैटिबिलिटी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी कोई कार है वो डीजल पे रन होती है और उसके वजह से आपने क्या किया, डीजल की वजह उसने आपने क्या किया वहाँ पे पेट्रोल उसके ऐड कर दिया फ्यूल बोल के, तो वो कार चलेगी क्या, नहीं। तो वही है कंपैटिबिलिटी का इशू। अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर कुछ अंडर मेंटेनेंस जाता है और आपने क्या किया उसमें मेजर चेंजेस किए, मेजर चेंजेस मतलब कंसिडर किए, आपने क्या किया पंप जो है आपका हाइड्रोलिक पंप वो चेंज कर दिया और नया पंप आपने इंस्टॉल किया वहाँ पे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा ऑयल चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो वो ऑयल ने क्या किया, वो सिस्टम में जो चेंजेस हुए वो कंपैटिबल मतलब अडाप्ट कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद लो फोमिंग टेंडेंसी। फोम मतलब क्या, जो ये होता है उसके बाद फोमिंग टेंडेंसी, ऑयल क्या होता है रिजर्वायर से जाता है और वापस रिजर्वायर में आता है। तो रिजर्वायर में क्या होता है, बेसिकली आपको पता है ऐसे रिजर्वायर रहेगा, यहाँ से रिटर्न ऑयल यहाँ पे आया और यहाँ पे ऑयल हो गया,
तो क्या होना चाहिए, ऑयल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कर लेता है, एयर को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वहाँ पे फोम बनता है। तो ऑयल ऐसा होना चाहिए उसने लो फोमिंग टेंडेंसी, उसने कम से कम फोम बनाना चाहिए। उसके बाद है गुड हीट डिसिपेशन। जब ऑयल पूरा सिस्टम में रन होता है तो उसका टेम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ वो ऑयल जब फ्लो हो रहा है तो उसने क्या किया, खुद का जो हीट है उसके अंदर उसने वो क्या कर देना है, जल्दी छोड़ देना चाहिए, तो या डिसिपेट करना चाहिए। अल्टीमेटली उसका मतलब क्या निकलता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके बाद गुड केमिकल स्टेबिलिटी। अभी यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि आपके पंप में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद वापस वो लाइन में फ्लो होता है तब भी उसका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके वजह से क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर ऑयल है वो आपके सील से फिल्टर से कॉन्टैक्ट में आता है और फिर वहाँ पर उसका अगर हाई टेम्परेचर की वजह से उसके प्रॉपर्टी चेंज हो गए तो वो सील को, फिल्टर को, एलिमेंट को क्या कर लेता है, वो करोड़ कर देता है, मतलब उसका मटेरियल वो खा जाता है, फिर वो क्या होता है, उसके स्लजेस बनते हैं या कार्बन प्रेसिपिटेशन बनता है। फिर ये जो स्लजेस है वो फ्लो होते होते आपके डीसी वॉल में जा सकते हैं या एक्चुएटर में जा सकते हैं और फिर आपका जो सिस्टम है उसको क्या कर लेते हैं, वो जाम करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपका जो ऑयल है वो उसका ये गुड केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़। जैसे आप ऑयल यूज़ कर रहे हो वो क्या होता है कि आपका डीसी वॉल के कांटेक्ट में आता है, पंप के कांटेक्ट में आता है, एक्चुएटर के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पे क्या होते हैं, दो सरफेस एक दूसरे को या तो लीनियर कांटेक्ट आते हैं या रोटरी कांटेक्ट में आते हैं। तो ऑयल का काम क्या है कि ये जो दो सरफेस है इसके अंदर इसने क्या करना चाहिए, एक फिल्म क्रिएट करके, ऑयल फिल्म क्रिएट करके ये दो मेटल कॉन्टैक्ट को सेपरेट करना चाहिए ताकि आपका वियर एंड टीयर कम हो जाए। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है जो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखे नहीं है, गुड डीमल्सिबिलिटी। मतलब जो ऑयल आपके, जो वाटर आपके ऑयल में मिक्स है वो उसने क्या किया, जल्दी से सेपरेट आउट करना चाहिए। और एक ऐसी एक प्रॉपर्टी जैसे डीमल्सिबिलिटी का पॉइंट हो गया। उसके बाद और एक पॉइंट है लो पोअर पॉइंट। लो पोअर पॉइंट मतलब क्या कि जब ऑयल कोई टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए ताकि नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई ना हो। फिर उसके बाद विस्कोसिटी इंडेक्स, उसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए ताकि टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है तो वो इजीली काम कर सके वहाँ पे। फिर उसके बाद एंटी वियर एंड एंटी रस्ट। ऑयल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंटी वियर चाहिए, जो मेटल कांटेक्ट में आते हैं उसका वियर कम होना चाहिए, फिर उसके साथ उसने वहाँ पर रस्ट भी नहीं होने देने चाहिए। ऐसा था ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट पे मुझे वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर प्लीज़ ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए। ठीक है, थैंक यू।